आज से कुछ साल पहले जब आपको कार खरीदनी होती थी तब आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे, या तो पेट्रोल या फिर डीजल की ही गाड़ियां लेते थे लोग। हाँ, सीएनजी भी था, लेकिन तब उसको गरीबों वाला फ्यूल समझकर लोग साइड कर दिया करते थे। मैं चला जाऊंगा। जा? मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल, 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 चल। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही। लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा बदल चुका है, पेट्रोल हद से ज्यादा महंगा हो चुका है और डीजल की गाड़ियों की इज्जत बिल्कुल भी रही नहीं है, कोई भी इनको टपली मारकर उठा ले जाता है। अब भले ही कन्वेंशनल फ्यूल्स की ऐसी तैसी हुई पड़ी हो, लेकिन एक अच्छी बात हुई है मार्केट के अंदर, और वो ये है कि आज की डेट में बहुत ही सारे अल्टरनेटिव फ्यूल्स आ चुके हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल के अलावा आप सीएनजी, हाइब्रिड्स या ईवीज को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे शादी में बहुत ज्यादा खाना देखकर आपकी भूखी मर जाती है ना, वैसे ही इतने सारे ऑप्शंस देखने के बाद लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर गाड़ी लें तो लें कौन सी। इसीलिए इस वीडियो में हम इन सभी 5 अवेलेबल कैटेगरीज ऑफ कार्स के बारे में एक एक करके समझेंगे और एक नेशन वाइड ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको 2024 में गाड़ी लेनी है तो आपके लिए कौन सा सूटेबल फ्यूल रहने वाला है। हमने ये वीडियो इस तरीके से स्ट्रक्चर करी है कि जिस फ्यूल टाइप की कैटेगरी की कार सबसे ज्यादा रेलिवेंट है या फिर जिसकी सबसे ज्यादा ऑडियंस है आज 2024 के अंदर, उसे हमने नंबर 1 पर रखा है, और जो आज सबसे ज्यादा लीस्ट रेलिवेंट रह चुकी है उसे हमने सबसे लास्ट में रखा है। और हमारे हिसाब से 2024 में जिस फ्यूल की कार सबसे कम प्रैक्टिकल रही है वो है, चलो इस बात को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और हाँ यार, आप लोग बेल आइकन तो दबाते ही नहीं हो यार, अगर आप वो नहीं दबाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा मेरी वीडियोस कब आई और कब चली गई, है ना। चलो पहले वो भी कर लो और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2024 में जो हमारी लीस्ट फेवरेबल चॉइस है वो है डीजल, और इसीलिए आता है 5th नंबर पर। हमारा मानना यह है कि आज की डेट में डीजल कार्स को लेना कोई खतरे से खाली नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीजन है डीजल कार्स को लेकर सरकार का बहुत ही ज्यादा कड़ा रुख ड्यू टू इट्स हायर एमिशंस। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा, नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को ये लगता है कि ये जो डीजल कार्स है ना, ये सिर्फ दिल्ली NCR वाले लोगों के लिए ही सरदर्द है, क्योंकि यहाँ पर आप बस 10 साल तक ही गाड़ी चला सकते हो डीजल वाली। लेकिन अगर आप लोग इस भ्रम में है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो खतरा है ना डीजल वाला, ये देश के सभी बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के साथ है, क्योंकि फॉर्मर ऑयल सेक्रेटरी द्वारा लेड कमेटी ने ये प्रपोजल दिया था कि 10 लाख से जिन भी शहरों की संख्या ज्यादा है ना, वहाँ पर 2027 तक डीजल कार्स को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। अब भले ही ये एक प्रपोजल था, इस पर कोई अभी फैसला आया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी मेट्रो सिटीज में जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए डीजल कार्स रखना कोई खतरे से खाली नहीं है मेरे हिसाब से। और उसका सबसे बड़ा रीजन है लगातार खराब होती AQI। देखो, नॉर्थ इंडिया के कई बड़े शहरों के अंदर AQI तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है ही, लेकिन अगर आप देश के बाकी बड़े शहरों में रहते हैं ना, तो आप भी खतरे में हैं। जैसे कि अक्टूबर 2023 में दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 आका गया था, लेकिन वहीं मुंबई के अंदर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के पास वाले एरिया में AQI 301 था, यानी कि दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं था ये। और मान लो अगर बाकी राज्यों के बड़े शहरों के अंदर भी NGT ने दिल्ली जैसे फरमान जारी कर दिए, तो आप जानते हो क्या होगा। एक तो ये होगा कि आप अपनी डीजल कार को सिर्फ 10 साल के लिए ओन कर पाओगे। दूसरा मंडराएगा हर वक्त ग्रैब का खतरा, यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो कि एक 4-स्टेज इमरजेंसी प्लान है पॉल्यूशन से लड़ने के लिए। यानी जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है, वैसे ही ग्रैब के अलग अलग स्टेजेस को लगाया जाता है, और ऐसे में जब NCR के अंदर ग्रैब 3 लगता है, यानी कि ग्रैब की स्टेज 3 लगती है, तब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार चलाना बैन कर दिया जाता है। अब चलो BS3 कार तो फिर भी बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन BS4 कार तो 2020 तक आती थी, यानी कि आप अपनी सिर्फ 4 साल पुरानी डीजल कार भी नहीं चला पाओगे जब ग्रैब 3 लगेगा। और इससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो ग्रैब 3 है ना, ये NCR में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली लगाया जाता है, और देखने में ये मिला है कि नवंबर से अब तक 3 बार ग्रैब 3 लग चुका है, वो भी फॉर एटलीस्ट 10 डेज एट वंस। अब डीजल कार्स के साथ खतरा तो जुड़ा है, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलता है कि टाटा से लेकर हुंडई तक कई कंपनीज अभी भी डीजल कार्स को धड़ल्ले से बना रही है। तो क्या आपको 2024 में एक डीजल कार लेनी चाहिए? अगर आपका दिल्ली NCR में ज्यादा आना जाना नहीं होता है, या फिर आप मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नहीं रहते हैं, तो मेरे ख्याल में आप डीजल कार फिर भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप एक कमर्शियल ड्राइवर हैं या फिर ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, तो डीजल कार्स अभी भी आपके लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट हैं ड्यू टू बेस्ट इन क्लास माइलेज एंड टॉर्क। पर अगर आप बस शौक के लिए डीजल कार लेना चाहते हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि आप यूज्ड कार उठा लो, क्यों खतरा उठा रहे हो। या फिर इस वीडियो में एंड तक रुको, क्योंकि मैं आगे चल के आपको ऐसी पेट्रोल इंजन टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूं जो आपको डीजल वाले मजे और टॉर्क देती है। चलिए नेक्स्ट अल्टरनेटिव फ्यूल की बात करते हैं। हमारी लिस्ट में 4th नंबर पर आती हैं इलेक्ट्रिक कार्स। वॉल्वो, मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, हुंडई जैसी कई बड़ी कंपनीज ने 2030 तक फुली इलेक्ट्रिक होने का वादा कर दिया है। इसके अलावा होंडा और बाकी सभी बड़ी कार कंपनीज भी 2030 तक अपनी आधी फ्लीट को फुली इलेक्ट्रिफाई कर देंगी।
इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए हैं ऑटो मेकर्स को। यहाँ तक कि लिथियम आयन सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग और मशीन्स के इंपोर्ट ड्यूटी पर भी एग्जेम्पशंस अनाउंस कर दिए गए थे 2023-24 के बजट में। जो 12% GST लगता था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर और चार्जिंग स्टेशंस पर, उसको घटाकर 5% कर दिया गया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे लगने वाला GST 18% से घटकर अब 5% हो गया है। अब EV जगत में इतना कुछ हो रहा है, फिर भी हमने इसको फोर्थ प्लेस पे क्यों रखा है? वेल, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि EV से जुड़े कुछ प्रैक्टिकलिटी इश्यूज होते हैं और वो इंडिया के अंदर और भी ज्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं इवन इन 2024। तो जो सबसे पहला इशू है वो है रेंज। हालांकि आजकल मास मार्केट कार्स के अंदर 300 से 500 किलोमीटर तक की रेंज क्लेम करी जा रही है, लेकिन रियलिटी में ये देखने को मिलता है कि जो क्लेम रेंज होती है उससे एक्चुअल रेंज 100 से 150 किलोमीटर कम हो जाती है। और इसके ऊपर से जो इंडिया का EV इंफ्रा है ना, वो और भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इवन दो चार्जिंग स्टेशन की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अगर मेजर सिटीज से बाहर निकल के देखें ना, तो चार्जिंग स्टेशन की बहुत ही भारी कमी देखने को मिलती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, सिक्किम के अंदर सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन है, हिमाचल में 27, उत्तराखंड में 48 और मेघालय में सिर्फ 19। और ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हजारों की संख्या में पेट्रोल पंप्स मिलते हैं, लेकिन चार्जिंग स्टेशंस इतने कम। इंफ्रा के अलावा EVs का जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है इनकी अपफ्रंट कॉस्ट। चलो हम नेक्सॉन के एग्जांपल से समझ लेते हैं। नेक्सॉन EV का जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस 14.75 लाख से शुरू होता है, लेकिन जो सिमिलर स्पेक वाला पेट्रोल ओनली वेरिएंट है ना, उसका प्राइस सिर्फ 9.10 लाख है, यानी कि 5 लाख रुपए का फर्क। और अगर आप अपनी गाड़ी ज्यादातर सिर्फ ऑफिस से अप डाउन करने के लिए यूज करते हैं ना, तो आपको इस सिनेरियो में EV की कॉस्ट को कवर करने में 5 साल तक लग सकते हैं। अगर किलोमीटर में बात करी जाए तो 50,000 से 60,000 किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाकर आप इस कॉस्ट को जस्टिफाई कर पाओगे। और ये वो नंबर्स हैं जिनके बाद अक्सर लोग अपनी गाड़ी बेच देते हैं। और फिर यहाँ पर EV की जो बैटरी लाइफ है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि एज वी ऑल नो, EV की जो बैटरी कैपेसिटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट होती चली जाती है, और इसको जो चेंज कराने का खर्चा आता है वो 3 से 4 लाख तक हो सकता है। और यहाँ पर मैं सिर्फ 30 से 40 किलोवाट आवर की बैटरी की बात कर रहा हूँ, बैटरी इससे भी बड़ी बड़ी होती है। अब ये तो रहे EV से जुड़े कंसर्न, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि आखिर EV किन लोगों के लिए प्रैक्टिकल साबित हो सकती है। देखो, अगर आप उनमें से हो जिनको स्ट्रिक्टली सिटी के लिए कार खरीदनी है और अपफ्रंट कॉस्टिंग से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप बेशक EV ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जिन लोगों के लिए इलेक्ट्रिक कार सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस बनकर उभर रही है ना, वो है फ्लीट ओनर्स और टैक्सी ड्राइवर्स। खासकर ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं ना, वो बहुत ही तेजी से EVs की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो, यूजुअली जो टैक्सी ड्राइवर सिटीज के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं ना, वो रात को अपने घर में वापस आकर अपनी गाड़ी को चार्जिंग पर लगा सकते हैं, तो इंफ्रा की कमी उनको उतनी ज्यादा नहीं खलेगी। दूसरा, EVs की जो मेंटेनेंस होती है ना, वो बहुत ज्यादा बेयर मिनिमम होती है, और इसीलिए बार बार एयर फिल्टर्स, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल को बदलवाने में खर्चा नहीं करना पड़ता। तीसरा, क्योंकि EVs की रनिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा कम होती है और टैक्सी ड्राइवर्स को बहुत ही ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है अपने डेली कम्यूट के अंदर, इसीलिए EVs टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सौदा बन जाती है, इवन विद इट्स हायर अपफ्रंट कॉस्ट। और अगर आप भी कमर्शियल पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टिगोर EV की तरफ देखिए, ये सेडान बॉडी टाइप के साथ आती है और बाकी इलेक्ट्रिक कार जितनी महंगी भी नहीं है। तीसरे नंबर पर हमने रखा है CNG को। एक टाइम था जब CNG सिर्फ टैक्सी ड्राइवर या छोटी कार चलाने वाले ही इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आज की डेट में ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी के अंदर आपको CNG लगी हुई दिख जाएगी। और इसका रीजन है आसमान छूते पेट्रोल के प्राइसेस। CNG के साथ अच्छी बात यह है कि ये पेट्रोल के मुकाबले 20 से 25 रुपए सस्ती होती है, पर इससे भी अच्छी बात यह है कि शायद से CNG के प्राइसेस आगे चल के और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि सरकार जल्द ही CNG के प्राइसेस पर सीलिंग लगाने की तैयारी कर रही है। CNG की कार सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल में 25% ज्यादा दूर तक जा सकती है, और अगर हम सुजुकी की छोटी कार्स की बात करें तो ये 30 किलोमीटर पर किलोग्राम तक की माइलेज को भी बहुत ही आराम से पार कर जाती है। यानी कि अगर आप टू व्हीलर से एक कार की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, तो भी CNG आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर है, और अगर आप अपनी बड़ी इंजन वाली कार की रनिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो भी। और एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि मार्केट के अंदर कई कंपनीज के नए मॉडल्स आने लगे हैं जिनमें फैक्ट्री फिटेड CNG मिल रही है, जिनकी अपफ्रंट कॉस्ट भी EVs और हाइब्रिड से बहुत कम होती है। जैसे कि ऑलमोस्ट हर दूसरी सुजुकी की गाड़ी के अंदर आपको CNG मिल जाती है, Hyundai की i10 Nios के अंदर और Aura के अंदर CNG आती है, और टाटा की भी नई गाड़ियों के अंदर CNG मिलने लगी है। अब यही जो सारी रीजंस हैं, इन्हीं की वजह से CNG अब एक लुक्रेटिव ऑप्शन की तरह उभर रहा है। एंड यही रीजन है कि ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फ्यूल बन जाएगा। पर जैसा हम जानते हैं कि नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड, तो CNG के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। एक तो यह है कि लोअर एनर्जी डेंसिटी की वजह से CNG कार्स 10% कम पावर जनरेट करती हैं पेट्रोल वाली गाड़ियों के मुकाबले, तो पहाड़ी इलाकों में थोड़ी दिक्कत होती है इन गाड़ियों के साथ, खासकर छोटे इंजन वालियों के साथ। दूसरा, ये जो CNG सिलेंडर्स होते हैं ना, ये बूट में काफी ज्यादा जगह लेते हैं, और अगर हम हैचबैक्स की बात करें तो आप स्पेस भूल ही जाओ, पूरा का पूरा बूट खत्म हो जाता है।
एक्सेप्ट टाटा अल्ट्रोस जिन्होंने डुअल सिलेंडर्स बनाए हैं। और जो तीसरा दिक्कत है वो है सीएनजी का इंफ्रा। इवन दो नॉर्थ इंडिया के अंदर और गुजरात के अंदर सीएनजी का इंफ्रा बहुत ही तगड़ा है, लेकिन अभी भी हमें कई जगहों पर ये देखने को मिलता है कि सीएनजी पंप्स की काफी ज्यादा भारी कमी है। पर अगर आपके लिए ये तीनों मुद्दे उतने ज्यादा मैटर नहीं करते तो सीएनजी आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम की चीज हो सकती है। सेकंड नंबर पर हमारी चॉइस है हाइब्रिड्स। हाइब्रिड मेनली तीन टाइप के होते हैं, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड्स। यहाँ पर जो मैं मेनली बात कर रहा हूँ वो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, जिसमें एक आईसी इंजन लगा होता है जो व्हील्स के साथ साथ इनबिल्ट बैटरीज के लिए पावर प्रोवाइड करता है, और इस पावर की मदद से गाड़ी में लगी इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं और वो पहियों को घुमाती हैं। यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक मोटर्स और इंजन की दोनों की मदद लेती हैं चलने के लिए, और इस कॉम्बिनेशन का बहुत ही तगड़ा बेनिफिट मिलता है माइलेज के अंदर, एमिशंस में, पावर में, और यहाँ तक कि इंफ्रा के मामले में भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैसे, चलो मैं बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स पेट्रोल कार्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी माइलेज देती हैं। जैसे कि होंडा सिटी हाइब्रिड की जो माइलेज है वो 27 किलोमीटर्स पर लीटर की है, वहीं जो नॉर्मल होंडा है उसकी जो क्लेम्ड माइलेज है वो सिर्फ 17 किलोमीटर्स की है, यानी कि 10 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क। ग्रैंड विटारा की जो माइल्ड हाइब्रिड कार आती है उसकी 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज क्लेम करी जाती है, वहीं स्ट्रॉन्ग वाली की 28 किलोमीटर पर लीटर की। और इवन टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस जैसी बड़ी कार्स भी ऑल्टो जैसी माइलेज निकाल के दे पाती हैं हाइब्रिड्स की मदद से। इमिशंस की बात करें तो इस मामले में भी जो हाइब्रिड्स कार होती है ना, ये पेट्रोल के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि इनसे 25% कम इमिशंस होते हैं पेट्रोल के मुकाबले। प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स हैं ये पेट्रोल जैसी ही हैं, क्योंकि आपको सीएनजी और चार्जिंग स्टेशन की कम तादाद की वजह से परेशान नहीं होना पड़ता है। पेट्रोल पंप तो भर भर के है ना, किसी भी पेट्रोल पंप पे जाओ और 2 मिनट में अपनी टंकी फुल करवा लो। और पावर और फ्यूल के मामले में भी ये बिल्कुल पेट्रोल कार जैसी ही है, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि कुछ केसेस में इनकी पावर पेट्रोल गाड़ियों से भी ज़्यादा होती है, यानी कि आपको इन गाड़ियों के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है और वो है अपफ्रंट कॉस्ट। जो हाइब्रिड कार्स हैं ना वो अपने पेट्रोल ओनली मॉडल से काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं अभी भी, और ज़्यादातर कंपनीज इनको सिर्फ टॉप मॉडल्स के अंदर ही देती हैं। जैसे कि जो ग्रैंड विटारा है वो 18 लाख से चालू होती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वर्जन में, होंडा सिटी 21 लाख से चालू होती है, और हाईक्रॉस हाइब्रिड का प्राइस तो 30 लाख से चालू होता है। लेकिन इस बात के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं कि शायद से ये कार्स फ्यूचर में थोड़ी सस्ती हो जाए, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने लास्ट ईयर एक स्टेटमेंट में बताया था कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हाइब्रिड कार्स पर पेट्रोल और डीजल जैसे टैक्सेस ना लें। एट दी एंड नंबर वन पर जो फ्यूल आता है वो है पेट्रोल। 2024 में भी हमारी पहली पसंद है ओल्ड स्कूल पेट्रोल कार्स। पेट्रोल आज की डेट में भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फ्यूल है, और उसके पीछे कुछ बहुत ही तगड़े रीजंस हैं। एक तो ये है कि हर एक कंपनी पेट्रोल कार्स बनाती ही बनाती है, फिर वो चाहे कोई और फ्यूल पर चलने वाली गाड़ी बनाए या ना बनाए, पेट्रोल कार आपको हर कंपनी के पास मिल जाएगी। यानी कि ऑल्टो से लेकर फॉर्च्यूनर तक हर गाड़ी पेट्रोल वेरियंट में अवेलेबल है। जैसी मर्जी आधी तिरछी कार आप पेट्रोल के साथ ले सकते हैं। पेट्रोल पंप की इंडिया के अंदर कोई कमी नहीं है, पहाड़ों पर ये जमता नहीं है, और परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। एंड ऑन दी टॉप ऑफ इट, पेट्रोल कार्स की अपफ्रंट कॉस्ट बाकी सभी फ्यूल टाइप वाली गाड़ियों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि हर एक कार मेकर अपना सबसे सस्ता वेरियंट पेट्रोल के साथ ही निकालता है। और अगर आप डीजल के बढ़िया टॉर्क के दीवाने हैं तो आपके लिए मौजूद है GDI इंजन्स, जिनमें फ्यूल इंजेक्टर डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर लगा होता है, जैसे कि डीजल कार्स के अंदर लगा होता है, और इसीलिए इन गाड़ियों के अंदर डीजल जैसा ही टॉर्क मिलता है, जिसकी वजह से GDI टर्बो वाली कार्स सिर्फ 120-130 हॉर्स पावर के साथ 250 से 300 Nm का टॉर्क तक निकाल के दे देती है। इसके अलावा जो डीजल कार्स के साथ खतरे जुड़े हैं, जैसे कि 10 ईयर वाली रजिस्ट्रेशन या फिर अनसर्टेन बैंस वगैरह, वो पेट्रोल के साथ हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में पेट्रोल को भी बंद कर दिया जाए, लेकिन वो डेट ना अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।